गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर टूडे माई टॉपिक इज प्लान हमने अपने लास्ट वीडियो में प्लानिट से रिलेटेड फर्स्ट प्लानट मर्करी के बारे में बात किया था हम इस वीडियो में वीनस अर्थ मार्स जुपिटर बाकी के बच्चों में प्लानिट्स का स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट मरकरी हमारा कंप्लीट हो गया था अब हम बात करेंगे वीनस के बारे में दिस प्लानट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून ये जो आ, हमारे पूरे नाइट स्काई में जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें पता है वो मून है लेकिन मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट नाइट स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट है वो है वीनसेंस इट इज़ क्लोज टू अस सॉरीस इट इज़ क्लोज टू द सन लाइक मकरी वीनस टू कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट जैसे कि हमें पता है मरकरी मरकरी है वो सनसेट और सनराइज से सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही दिखाई देता है सेम ये चीज़ वीनस में है कि वो जस्ट सनराइज से पहले और सनसेट के बाद ही दिखता है और वी आ, वीनस जो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि ये एक इस मंथ में सनसेट के टाइम पे और इस मंथ में सनराइज के टाइम पे है ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है वीनस का वीनस रोटेट वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सेस सब प्लैनेट्स के खुद के एक्सेस होते हैं तो वीनस जो अपने एक्सेस पे घूमता है बट वो बहुत ही स्लोली घूमता है इनफैक्ट It takes two forty-three hours uh, to rotate once in a so, uh, once on its sun. It switches from being visible before sunrise to being visible after sunset, or vice versa. Sa Venus is thus commonly referred to sometimes along with the Mercury, in the both the morning stars and the evening stars. See. इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो वीनस है वो अपने एक्सेस पर बहुत ही स्लोली रोटेट करता है और अर्थ के जब 243 डेज कंप्लीट हो जाते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो 243 डेज जब अर्थ के कंप्लीट uh, हो जाते हैं तो वीनस का उस समय एक पूरा वन रोटेशन कंप्लीट होता है सिर्फ वन रोटेशन लेकिन uh, रिवोल्यूशन में वो सिर्फ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और डेज लेता है रिवॉल्यूशन में कम लेता है रोटेशन में बहुत टाइम लेता है जब वीनस अर्थ को ओवरटेक कर देता है वो फिर उसको uh, हम मॉर्निंग स्टार और या इवनिंग स्टार भी कहते हैं इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज जस यूरिनस जैसे यूरिनस ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमता है सेम वीनस भी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमता है वीनस लाइक मर्करी हैज़ नो सेटेलाइट्स इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वीनस में भी uh, कुछ वीनस uh, में भी कोई सेटेलाइट नहीं होती वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है यूरिनस की तरह बल्कि जो अर्थ uh, की डायरेक्शन है रोटेट करने की वो है वेस्ट टू ईस्ट अब हम अर्थ में आ जाते हैं दिस इज द प्लानट दैट वी लिव ऑन ये एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर हम रहते हैं इट इज़ वन नेचुरल सेटेलाइट द मून अर्थ जो है इसकी सिर्फ एक ही नेचुरल सेटेलाइट है वो है मून द अर्थ टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फिफ्टी सिक्स डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ जो है एक रिवॉल्यूशन uh, अपने ऑर्बिट पर कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लेती है और हम कहें तो थ्री सिक्सटी डेज भी कह सकते हैं तो कंप्लीट द ऑर्बिट अराउंड द सन सन के चारों तरफ घूमने के लिए एक साल में पूरा कंप्लीट कर लेती है वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दैट इज़ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस जैसे जैसे वो रिवॉल्यूशन करती है Uh, उसी समय वो अपना रोटेशन भी uh, चालू रखती है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड दैट इज रोटेट्स अराउंड अबाउट एन एक्सेस एन इमेजनरी लाइन पासन थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल इट टेक ट्वेंटी फोर आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अर्थ जो है हमारी उसमें एक इमेजनरी लाइन बनी हुई है जो ट्वेंटी फोर आवर्स में एक रोटेशन कम्प्लीट कर देती है इसकी वजह से तो डे और नाइट होता है द एक्सेज of rotation of the earth is tilted on the plane of its axis of its orbit this is the atmosphere adopts the earth 90% of the earth atmosphere is made up of nitrogen and oxygen and the remaining 1% contain other gases such as argon carbon dioxide and water vapor jo, jo earth uh, thin layer hai jo hamare uh, थिन लेयर हैं गैसेस की जो हमारे अर्थ के एटमोसफियर को एवलोप्स करती हैं और जो आ, कुछ गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर हम सिर्फ इन दोनों की बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इन दोनों को मिला के टोटल नाइन्टी परसेंट अर्थ एटमोसफेयर इन दोनों से घिरा हुआ है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और जो रिमेनिंग वन परसेंट है उसमें सारी गैसेज आ जाते हैं अलग अलग जैसे कि आर्गन आ जाते हैं वाटर वेपोर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नाउ अब हम आते हैं मार्स में दिस प्लानिट इज विजिबल टू बी नेकेड आइस ये प्लान ये जो प्लानट है ये भी हम अपनी नेकेड आइस से देख सकते हैं इट लुक लाइक अ ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार्स मार्स इज टू सेटेलाइट्स जो आ, मार्स है वो अगर हम अपनी नेकड आइज से कभी भी ऑब्जर्व कर लें उस मा, प्लैनेट मार्स को तो वो एक ब्राइट ऑरेंज रेड स्टार्स देख जैसा हमें दिखेगा और मार्स जो है उसमें दो सेटेलाइट्स होते हैं फोबोस एंड डाइमोस, बोथ आर हाँ डार्क डी एंड इरेगुलर इन शेप ये जो सेटेलाइट है वो बहुत ही डार्क सेटेलाइट है और बहुत ही डस्ट है उसमें और उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है उसका रेग इरेगुलर शेप है द मार्ट सॉइल कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड विच गि द प्लानट रेडिश लुक जो मार्टिन जो मार्स है उस वो एक मार्टिन सॉइल कंसिस्ट करता है और वो मार्टिन सॉइल एक मार्टिन uh, सॉइल जो है वो बहुत अमाउंट में आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड कंटेंट करते जिसके थ्रू उस प्लानेट में रेडिश लुक आता है स्पेस प्रोबेस हैव फोटोग्राफ डीप चैनल्स ऑन द सर्फिस ऑफ मास विच सजेस्ट द वाटर वंस फ्लोड देयर इन द डिस्टेंस पास्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बार uh, उन्होंने फोटोग्राफ लिया था और उन्होंने डीप स्टडी करी थी कि पास में कभी पास में मार्स में वॉटर uh, फ्लो हुआ था द रेडियस ऑफ मास इज लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस अगर हम बात करें मार्स की तो वो अर्थ से हाफ थोड़ा सा ज़्यादा है लिटिल मोर देन हाफ हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है मार्स का रेडियस इट इट्स मास इज़ अबाउट टेन टाइम्स लेसर देन द मास ऑफ अर्थ उसका रेडियस जो है वो तो आ, हाफ से भी ज़्यादा है लेकिन अगर हम उसके मास की मास की बात करें तो वो टेन टाइम कम है अर्थ के मास से अब हम जुपिटर जुपिटर की बात करते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम ये लार्जेस्ट प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का आफ्टर द मून एंड वीनस जुपिटर इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई पहला मून था दूसरा वीनस अब जो थर्ड ब्राइटेस्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे नाइट स्काई में वो है जुपिटर जुपिटर कैन बी इजिली सीन विद द नेकेडाइज ये जो प्लानट है जुपिटर भी हम अपनी नेकेडाइज से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार जुपिटर जो है वो बहुत ही ब्राइट स्टार की तरह दिखाई देता है विथ अ गुड टेलीस्कोप वी कैन सी अ अंटेड क्लाउड स्प्रेंड ऑफ फेमस ग्रेट रेड स्पॉट विच इज द ग्रेट हर हरिकेन ऑन जुपिटर ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द अर्थ जुपिटर इज मैनी मोन फोर ऑफ विच आर लो यूरोपा गैनमेन एंड कैस कैलिस्टो जुपिटर जो है उसका अगर हम डायमीटर की बात करें उसका डायमीटर अर्थ से ट्वाइस है हम इसमें रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं इसमें डायमीटर की बात कर रहे हैं तो डायमीटर तो अर्थ से ट्वाइस है और जुपिटर में कई सारे मून्स होते हैं कुछ फोर मून्स जो हैं वो हैं लो इरोपा गैनिमेन एंड कॉलिस्टो ये फोर टाइप्स के मून उसमें बताएं जुपिटर में है और काफ़ी सारे मूनस भी होते हैं तो ये था हमारा वीनस अर्थ मार्स और जुपिटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब